नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें वी लव यू वी। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो रहे युवराज सिंह ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट व आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी है। यह खबर पूरे देश के लिए दुखदायी है और पूरा देश सदमे में है, क्योंकि युवराज सिंह पिछले कुछ समय से टीम में वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए। इसी से परेशान होकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। युवराज सिंह काफी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, इसी बात से यह संभावना लगाई जा रही थी कि वो संन्यास का ऐलान जल्द ही कर सकते हैं। युवराज सिंह ने अपने करियर में अंडर 19 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे सभी बड़े खिताबों में जीत दर्ज कर चुके हैं। 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। 2017 में ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी T20 मैच खेला था। इसके अलावा उन्होंने 2012 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। अगर युवराज सिंह के करियर की बात की जाए तो उन्होंने 304 वनडे खेले थे, जिनमें उन्होंने 278 पारियों में 36.55 की औसत से, वहीं 58 T20 मैचों में उन्होंने 136 की स्ट्राइक रेट से 1177 रन बनाए थे। युवराज सिंह ने अपने टेस्ट करियर में 40 मैचों में 1900 रन बनाए थे। युवराज सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत सन 2000 में केनिया के खिलाफ खेलकर शुरुआत किया था। वहीं उनका टेस्ट डेब्यू 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। इसके अलावा युवराज सिंह दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के लगाए हैं। युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगा के दुनिया में तहलका मचा दिया था, लेकिन इसके बाद सन 2011 में उनको कैंसर के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा था। उसके बाद उनकी फॉर्म वापस नहीं नजर आई और वो भारतीय टीम में वापसी करने के लिए जूझते रहे। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को रियल हीरो मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।